जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों का परिचय। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर का अर्थ है जो तारे तारने वाला। तीर्थंकर को अरिहंत कहा जाता है। मूलतः यह शब्द अरहत पद से संबंधित है। अरिहंत का अर्थ होता है जिसने अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय पा ली, ऐसा व्यक्ति जिसने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अरिहंत का अर्थ भगवान भी होता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। कुलकरों की कुल परंपरा के सातवें कुलकर नाभिराज और उनकी पत्नी मरुदेवी से ऋषभदेव का जन्म चैत्र मास की कृष्ण अष्टमी नवमी को अयोध्या में हुआ था। इनके दो पुत्र भरत और बाहुबली तथा दो पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी थी। ऋषभदेव स्वयंभू मनु से पांचवी पीढ़ी में इस क्रम में हुए। स्वयंभू मनु, प्रीव्रत, अग्निंद्र, नाभि और फिर ऋषभ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आपने दीक्षा ग्रहण की तथा फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन आपको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैलाश पर्वत क्षेत्र के अष्टपद में आपको माघ कृष्ण 14 को निर्वाण प्राप्त हुआ। आपका प्रतीक चिन्ह बैल, चैत्य वृक्ष, न्योग्रंथ, यक्ष गोवर्धन और यक्षिणी चक्रेश्वरी हैं। द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ। अजितनाथ जी की माता का नाम विजया और पिता का नाम जीत शत्रु था। आपका जन्म माघ शुक्ल पक्ष की दशमी को अयोध्या में हुआ था। माघ शुक्ल पक्ष की नवमी को आपने दीक्षा ग्रहण की तथा पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को आपको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। चैत्र शुक्ल की पंचमी को आपको सम्यक शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। आपका प्रतीक चिन्ह गज, चैत्य वृक्ष, सप्तपर्ण, यक्ष, महायक्ष, यक्षिणी, रोहिणी है। तृतीय तीर्थंकर संभवनाथ जी। संभवनाथ जी की माता का नाम सुनेना और पिता का नाम जितारी है। संभवनाथ जी का जन्म मार्गशीर्ष की चतुर्दशी को श्रावस्ती में हुआ था। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन आपने दीक्षा ग्रहण की तथा कठोर तपस्या के बाद कार्तिक कृष्ण की पंचमी को आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को सम्यक शिखर पर आपको निर्वाण प्राप्त हुआ। प्रतीक चिन्ह अश्व, चैत्य वृक्ष, शाल, यक्ष, त्रिमुख, यक्षिणी, प्रज्ञप्ति है। चतुर्थ तीर्थंकर अभिनंदन जी। अभिनंदन जी की माता का नाम सिद्धार्था देवी। अभिनंदन जी की माता का नाम सिद्धार्था देवी और पिता का नाम संवर है। आपका जन्म माघ शुक्ल की 12 को अयोध्या में हुआ। माघ शुक्ल की 12 को ही आपने दीक्षा ग्रहण की तथा कठोर तप के बाद पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आपको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख शुक्ल की छठवीं या सप्तमी के दिन सम्यक शिखर पर आपको निर्वाण प्राप्त हुआ। आपका प्रतीक चिन्ह नंदर, चैत्य वृक्ष, सरल, यक्ष, यक्षेश्वर, यक्षिणी, व्रज श्रृंखला है। पंचम तीर्थंकर सुमितनाथ जी। पांचवे तीर्थंकर सुमितनाथ जी के पिता का नाम मेघरथ और माता का नाम सुमंगला था। वैशाख शुक्ल की अष्टमी को साकेतपुरी अर्थात अयोध्या में आपका जन्म हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार आपका जन्म चैत्र शुक्ल की एकादशी को हुआ था। वैशाख शुक्ल की नवमी के दिन आपने दीक्षा ग्रहण की तथा चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को आपको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। चैत्र शुक्ल की एकादशी को सम्यक शिखर पर आपको निर्वाण प्राप्त हुआ। आपका प्रतीक चिन्ह चकवा, चैत्य वृक्ष, प्रियंगु, यक्ष, तुम्बुरव, यक्षिणी, व्रजांकुशा है। छठवे तीर्थंकर पद्म प्रभु जी। पद्म प्रभु जी के पिता का नाम धारण राज और माता का नाम सुषिमा देवी था। कार्तिक कृष्ण की द्वादशी को आपका जन्म वत्स कौशाम्बी में हुआ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आपने दीक्षा ग्रहण की तथा चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन आपको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आपको सम्यक शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। आपका प्रतीक चिन्ह कमल, चैत्य वृक्ष, प्रियंगु, यक्ष, मातंग,
यक्षिणी अप्रीति चक्रेश्वरी है। सप्तम तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ के पिता का नाम प्रतिस्थ सेन तथा माता का नाम पृथ्वी देवी था। आपका जन्म वाराणसी में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 12 को हुआ था। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को आपने दीक्षा ग्रहण की तथा फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी को आपको कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन आपको समय शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। आपका प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक चैत्य वृक्ष शीर्ष यक्ष विजय यक्षिणी पुरुष दत्ता है। अष्टम तीर्थंकर चंद्र प्रभु। चंद्र प्रभु के पिता का नाम राजा महासेन तथा माता का नाम सुलक्षणा था। आपका जन्म पौष कृष्ण पक्ष की 12 के दिन चंद्रपुरी में हुआ। पौष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आपने दीक्षा ग्रहण की तथा फाल्गुन कृष्ण पक्ष सप्तम को आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को आपको समय शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। आपका प्रतीक चिन्ह अर्धचंद्र चैत्य वृक्ष नाग वृक्ष यक्ष अजित यक्षिणी मनोवेगा है। नवम तीर्थंकर पुष्पदंत। पुष्पदंत को सुविधिनाथ भी कहा जाता है। आपके पिता का नाम राजा सुग्रीव राज तथा माता का नाम रमा रानी था जो इक्ष्वाकु वंश से थी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की पंचमी को काकांदी में आपका जन्म हुआ। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की छठ को आपने दीक्षा ग्रहण की तथा कार्तिक कृष्ण पक्ष की तृतीया को आपको समय शिखर में कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को आपको समय शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। आपका प्रतीक चिन्ह मकर चैत्य वृक्ष अक्ष यक्ष ब्रह्मा यक्षिणी काली है। दसवें तीर्थंकर शीतलनाथ। शीतलनाथ के पिता का नाम दृढ़रथ और माता का नाम सुनंदा था। आपका जन्म माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बद्धिलपुर में हुआ था। मघा कृष्ण पक्ष की द्वादशी को आपने दीक्षा ग्रहण की तथा पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आपको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख के कृष्ण पक्ष की दूज को आपको समय शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। आपका प्रतीक चिन्ह कल्पतरु चैत्य वृक्ष धूली यक्ष ब्रह्मेश्वर यक्षिणी ज्वाला मालिनी है। ग्यारहवें तीर्थंकर श्रेयांश नाथ जी। श्रेयांश नाथ जी की माता का नाम विष्णु श्री या वेणुश्री था और पिता का नाम विष्णुराज। सिंहपुरी नामक स्थान पर फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 11 को आपका जन्म हुआ। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को समय शिखर पर आपको निर्वाण प्राप्त हुआ। आपका प्रतीक चिन्ह गेंडा चैत्य वृक्ष पलाश यक्ष कुमार यक्षिणी महाकाली है। बारहवें तीर्थंकर वसुपूज्य। पिता का नाम वसुपूज्य और माता का नाम जया देवी था। आपका जन्म फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को चंपापुरी में हुआ था। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को आपने दीक्षा ग्रहण की तथा मघा की दूज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को चंपा में आपको निर्वाण प्राप्त हुआ। आपका प्रतीक चिन्ह भैंसा चैत्य वृक्ष तेंदु यक्ष षणमुख यक्षिणी गौरी है। तेरहवें तीर्थंकर विमलनाथ। तीर्थंकर विमलनाथ के पिता का नाम कृतवैर्म तथा माता का नाम श्याम देवी था। आपका जन्म मघा शुक्ल तीज को कपिलपुर में हुआ था। मघा शुक्ल पक्ष की तीज को ही आपने दीक्षा ग्रहण की तथा पौष शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अषाढ़ शुक्ल की सप्तमी के दिन श्री सम्यक शिखर पर आपको निर्वाण प्राप्त हुआ। आपका प्रतीक चिन्ह शुक्र चैत्य वृक्ष पाटल यक्ष पाताल यक्षिणी गांधारी है। चौदहवें तीर्थंकर अनंतनाथ जी। अनंतनाथ जी की माता का नाम सर्वयशा तथा पिता का नाम सिंहसेन था। आपका जन्म अयोध्या में वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को दिन हुआ था। वैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को आपने दीक्षा ग्रहण की तथा कठोर तप के बाद वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। चैत्र शुक्ल की पंचमी के दिन आपको समय शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। आपका प्रतीक चिन्ह सेही चैत्य वृक्ष पीपल यक्ष किन्नर यक्षिणी वेरोटी है। पंद्रहवें तीर्थंकर धर्मनाथ। धर्मनाथ के पिता का नाम भानु और माता का नाम सुव्रत था।
आपका जन्म मघा शुक्ल पक्ष की तृतीया को रत्नापुर में हुआ था। मघा शुक्ल की त्रयोदशी को आपने दीक्षा ग्रहण की तथा पौष की पूर्णिमा के दिन आपको कैवल्य की प्राप्ति हुई। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी को समय शिखर पर आपको निर्वाण प्राप्त हुआ। आपका प्रतीक चिन्ह वज्र चैत्य वृक्ष दधिपर्ण यक्ष किम पुरुष यक्षिणी सोलसा है। सोलहवें तीर्थंकर शांतिनाथ। जैन धर्म के सोलहवें तीर्थंकर शांतिनाथ का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हस्तिनापुर में इक्ष्वाकु कुल में हुआ। शांतिनाथ के पिता हस्तिनापुर के राजा विश्वसेन थे और माता का नाम आर्या था। आपने ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को दीक्षा ग्रहण की तथा पौष शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आपको कैवल्य की प्राप्ति हुई। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को समय शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। आपका प्रतीक चिन्ह हिरण चैत्य वृक्ष नंदी यक्ष गरुड़ यक्षिणी अनंतमती है। सत्रहवें तीर्थंकर कुंथुनाथ जी। कुंथुनाथ जी की माता का नाम श्रीकांता देवी और पिता का नाम राजा सूर्यसेन था। आपका जन्म वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हस्तिनापुर में हुआ था। वैशाख कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन दीक्षा ग्रहण की तथा चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकम के दिन समय शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। आपका प्रतीक चिन्ह छाग अर्थात बकरा चैत्य वृक्ष तिलक यक्ष गंधर्व यक्षिणी मानसी है। 18वें तीर्थंकर अहरनाथ जी। अहरनाथ जी के पिता का नाम सुदर्शन और माता का नाम मित्रसेना देवी था। आपका जन्म मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन हस्तिनापुर में हुआ। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की 11 को आपने दीक्षा ग्रहण की तथा कार्तिक कृष्ण पक्ष की 12 को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। मार्गशीर्ष की दशमी के दिन समय शिखर पर निर्वाण की प्राप्ति हुई। आपका प्रतीक चिन्ह तगर कुसुम चैत्य वृक्ष आम्र यक्ष कुबेर यक्षिणी महामानसी है। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ। मल्लिनाथ के पिता का नाम कुंभराज और माता का नाम प्रभावती था। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की 11 को आपका जन्म मिथिला में हुआ था। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को दीक्षा ग्रहण की तथा इसी माह की तिथि को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 12 को समय शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। आपका प्रतीक चिन्ह कलश चैत्य वृक्ष कंकेली यक्ष वरुण यक्षिणी जया है। 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत नाथ जी। मुनि सुव्रत नाथ जी के पिता का नाम सुमित्र तथा माता का नाम प्रभावती था। आपका जन्म ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की 8 को राजगढ़ में हुआ था। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 12 को आपने दीक्षा ग्रहण की तथा फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 12 को ही कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी को समय शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। आपका प्रतीक चिन्ह कुर्म चैत्य वृक्ष चंपक यक्ष भ्रकुटी यक्षिणी विजया है। 21वें तीर्थंकर नमीनाथ। 21वें तीर्थंकर नमीनाथ के पिता का नाम विजय और माता का नाम सुभद्रा था। आप स्वयं मिथिला के राजा थे। आपका जन्म इक्ष्वाकु कुल में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मिथिलापुरी में हुआ था। आषाढ़ मास के शुक्ल की अष्टमी को आपने दीक्षा ग्रहण की तथा मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख कृष्ण की दशमी को समय शिखर पर आपको निर्वाण प्राप्त हुआ। आपका प्रतीक चिन्ह उत्पल चैत्य वृक्ष बकुल यक्ष गोमेद यक्षिणी अपराजिता। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ। नेमिनाथ के पिता का नाम समुद्र विजय और माता का नाम शिवा देवी था। आपका जन्म श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को शोरपुरी अर्थात मथुरा में यादव वंश के यहाँ हुआ था। मथुरा के यादव वंशी राजा अंधक वृष्णी के ज्येष्ठ पुत्र समुद्र विजय के पुत्र थे नेमिनाथ। अंधक वृष्णी के सबसे छोटे पुत्र वसुदेव से उत्पन्न हुए भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार नेमिनाथ और श्री कृष्ण दोनों चचेरे भाई थे। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आपने दीक्षा ग्रहण की तथा आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को गिरनार पर्वत पर कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। आषाढ़ शुक्ल की अष्टमी को आपको उज्जैन या गिरनार पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। आपका प्रतीक चिन्ह शंख चैत्य वृक्ष मेघ श्रृंग यक्ष पार्श्व यक्षिणी बहुरूपिणी है।
23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के पिता का नाम राजा अश्वसेन तथा माता का नाम वामा था। आपका जन्म पौष कृष्ण पक्ष की दशमी को वाराणसी में हुआ था। चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आपने दीक्षा ग्रहण की तथा चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। श्रावण शुक्ल की अष्टमी को समय शिखर पर आपको निर्वाण प्राप्त हुआ। आपका प्रतीक चिन्ह सर्प, चैत्य वृक्ष धौ, यक्ष मातंग, यक्षिणी कुष्मांडी है। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी का जन्म नाम वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशाला था। आपका जन्म चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी के दिन कुंडलपुर में हुआ था। मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष की दशमी को आपने दीक्षा ग्रहण की तथा वैशाख शुक्ल की दशमी के दिन कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। 42 वर्ष तक आपने साधक जीवन बिताया। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन आपको पावापुरी पर 72 वर्ष में निर्वाण प्राप्त हुआ। आपका प्रतीक चिन्ह सिंह, चैत्य वृक्ष, शाल, यक्ष, गुरुमक, यक्षिणी पद्मा सिद्धायिनी है।